नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव खबर में। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। रामपुर के बिलासपुर चीनी मिल को बीजेपी सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है और उनके चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। दरअसल बीजेपी के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने अपनी विधानसभा में चल रही रुद्र बिलासपुर चीनी मिल को 25 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे किसानों को उनका बकाया भी मिल गया। इसी के चलते अब किसान बड़ी तेजी के साथ चीनी मिल को गन्ना दे रहे हैं। चीनी मिल के जीएम राजेश ने बताया कि उन्होंने कहा कि किसानों को उनका गन्ने का बकाया भुगतान दे दिया गया है। साथ ही बताया कि किसानों का गन्ना खरीदा जा रहा है, प्लांट अच्छा चल रहा है, अब किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। हमने जो क्रश कर लिया है 5 लाख से ऊपर गन्ना क्रश कर लिया है, 5,27,000 के अलावा, और हम लोग 10 रिकवरी के हिसाब से चल रहे हैं। इस समय चीनी पड़ता मेरा 10 है, 10 के हिसाब से हमने लगभग 48,000 के लगभग बोरी बना लिया है, और किसानों को हमने 17 तारीख तक का पेमेंट जो किया है 8 करोड़ से ऊपर हो गया, 8 करोड़ 10 लाख के लगभग कर दिया है हमने, और हम बहुत जल्दी और पेमेंट भी कर देंगे। जैसे गवर्नमेंट की नीति है 14 दिन के हिसाब से हमने अभी 17 तारीख तक कर दिया, 3-4 दिन का पेमेंट बचा वो और हम कर देंगे अगले हफ्ते में। बाकी का पेमेंट जो है कितना रहेगा, कितने प्रतिशत रहेगा किसानों का? किसानों का 14 दिन की नीति के हिसाब से हम 14 दिन का वही लेके चल रहे हैं पूरा। अच्छा, अभी ये बहुत पुराना हो गया, 76 का प्लांट है और उसके बाद हम लोग चला रहे हैं। प्लांट जो है इस समय पूरी कैपेसिटी पर चल रहा है। क्लीनिंग में जो 1-2 कमी थी थोड़ी और ठीक कर ली गई है। इस समय प्लांट पूरे अपने कैपेसिटी पर चल रहा है, इसकी 20,000 की कैपेसिटी है, 20,000 पर चल रहा है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव खबर।